गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने क्या किया था, जीएसटी के थ्योरी के बारे में डिस्कस किया था। भाई जीएसटी का जो अपना टैक्सेशन का पहला टॉपिक है, ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारा आगे का भी टॉपिक है जीएसटी थ्योरी के अंदर, आज हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि जीएसटी आजकल ये बहुत ज़्यादा चला हुआ है। पहले क्या आता था, वैट आता था। वैट की फुल फॉर्म क्या होती थी, वैल्यू एडिड टैक्स होती थी, ठीक है। वो चीज़ हटाने के बाद क्या इंक्लूड कर दिया गया है, जीएसटी इंक्लूड कर दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। इसके जो टैक्सेबल वैल्यू होती है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, ठीक है। कौन सा कहाँ अप्लाई होता है, कौन सा टैक्स कौन कितना परसेंटेज कहाँ अप्लाई होता है, वो भी आप लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें उसके बाद अपन ने जीएसटी नंबर के बारे में डिस्कस किया, पैन नंबर के बारे में डिस्कस किया, परचेज सेल्स के अंदर डिस्कस किया, और परचेज सेल्स के अंदर हमने स्टेट टैक्स, सेंट्रल टैक्स और इंटरनेशनल टैक्स वो भी हमने डिफाइन किए, ठीक है। और परचेज और सेल्स के अंदर हमने ये डिफाइन किया कि इसके अंदर हम जो पार्टी नेम होते हैं वो किसके बेस पे कैसे क्या लिखा जाता है, वो भी कंडीशन हमने क्या किया है, मेंशन किया, इसके अंदर रिकॉर्ड किए जो भी है, ठीक है। आज का भी टॉपिक हमारा वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है, बस है तो वही परचेज सेल्स का जीएसटी के अंदर, लेकिन थोड़ा सा चेंज है वो किसके बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे है। तो हमारा जो टॉपिक है जीएसटी है, इसके अंदर सेम दोनों कंडीशन में लिख देता हूँ अभी भी, एक परचेज और उसके बाद आप इसमें लिख देते हैं सेल्स लिख देते हैं, ठीक है। सेंटर में लाइन कर लेते हैं, मान के चलो मैंने कोई कुछ एक क्वांटिटी परचेज की है, उसके बाद क्या होता है, रेट होता है और अमाउंट होता है, ठीक है। इसमें भी लिख रहा हूँ मैं क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। क्यों से आपका क्वांटिटी, आर से रेट और ए से क्या हो गया, अमाउंट हो गया आपका, ठीक है। अब मान के चलो मैंने ये क्वांटिटी परचेज की है, ठीक है, और जो मैंने क्वांटिटी परचेज की है वो इस रेट में परचेज की है, तो टोटल हमने जो परचेज किया वो कितने का किया, 50,000 का परचेज किया, ठीक है। अब मान के चलो मैं कोई एक ऐसी क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ जिसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12% लग रहा है, ठीक है। तो मैंने जो टोटल क्या किया है, परचेज किया है 50,000 का, जो मैंने 50,000 का परचेज किया है तो उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12% है, तो 20 से 20 ये कटे और यहाँ पे कितना आ गया आपका, 6,000। मतलब जब आपने 50,000 का परचेज किया था उसके ऊपर जो टैक्स है वो कितना इंक्लूड हुआ है, 12% इंक्लूड हुआ है, तो 12% हमारा कितना होता है, 6,000 होता है। तो हमने परचेज किया कितने का, 50 का, टैक्स कितना पे कर रहे हैं, 6,000, तो जो टोटल मैं पे कर रहा हूँ वो कितना पे कर रहा हूँ, 56,000 पे कर रहा हूँ विद टैक्स के साथ, ठीक है। तो जो मैंने इसमें परचेज में जो टोटल पे किया है वो कितना किया है मैंने, 56,000 मैंने पे किया है, ठीक है, किसके साथ, विद टैक्स के साथ। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं सेल करता हूँ, अगर मैं सेल्स करता हूँ, 10 की 10 क्वांटिटी मैंने क्या कर दी, सेल्स कर दी, ठीक है, तो उस टाइम सेल्स के टाइम रेट बढ़ाया जाएगा, सेल्स के टाइम रेट बढ़ाएंगे या फिर हम टैक्स बढ़ाएंगे या फिर हम दोनों भी बढ़ा के अगले को सेल कर सकती है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ बढ़ा के सेल करी जाती है वो तो हमेशा लॉजिक रह रहा है, मतलब ये तो चीज़ चलती आ रही है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए। मान के चलो इतने में ही परचेज किया, इतने में सेल कर दिया, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा या तो टैक्स ऐड करेगा या फिर वो क्या करेगा, अमाउंट ऐड करेगा। थोड़ा ध्यान से सोचना, सॉरी समझना मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा जो पॉइंट ऑफ व्यू पजल मत हो जाना उसमें, क्या एक दो चीज़ मैं गलत बोल रहा हूँ, तुम्हें वो चीज़ कैच करनी है उसमें, ठीक है। तो मैंने जो परचेज किया 5,000 में, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको 5 में ही अगर मैंने सेल कर दिया तो मेरे पास ना तो प्रॉफिट है ना कोई कुछ हो रहा है, एक तरफा लॉस ही बोल सकते हो, कि इतना टाइम हमने रखने के बाद हम लेके भी आए हैं उसको, उसके ऊपर हमने टैक्स भी दिया है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो आप पे डिपेंड है, भाई कितने का सेल करोगे उसको, कितना मार्जिन में जो भी है जैसे भी है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैं सेल्स करूँगा तो सेल्स के टाइम मैं रेट बढ़ाऊँगा या फिर टैक्स बढ़ाऊँगा या फिर दोनों चीज़ बढ़ सकती है, थोड़ा सोचो इस चीज़ को। क्योंकि जब भी आप क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो सेल्स के टाइम सिर्फ क्या चीज़ बढ़ाई जाती है, ओनली रेट बढ़ाया जाता है, ठीक है, ओनली सिर्फ क्या बढ़ाया जाएगा, रेट बढ़ाया जाएगा।
टैक्स अगर वही चीज़ आप परचेज करके सेल कर रहे हैं, टैक्स तो सेम ही रहेगा, टैक्स कभी भी उसके ऊपर इंक्लूड मतलब प्लस इंक्लूड नहीं होएगा, मतलब ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना टैक्स लग के आ रहा है उतना टैक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होएगा। आप सिर्फ किस में चेंज कर सकते हैं, रेट के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 10 क्वांटिटी 5000 के अकॉर्डिंग 50000 में परचेज की थी, अब मैं उन्हीं 10 क्वांटिटी को 6000 के अकॉर्डिंग 60000 के अंदर क्या कर रहा हूँ, उसको सेल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर जो टैक्स था वो कितना था, 12% था, तो टैक्स तो सेम ही रहेगा, कितना 12%, तो 12% कितना हो गया हमारा 62, ठीक है, कितना हो गया सॉरी 7200 हो गया हमारा, ठीक है। तो अब एक बात और है, देखो हमने जो सेल किया वो कितने का किया, 60000 का, प्लस हम उसमें क्या कर देंगे 7200 टैक्स इंक्लूड कर देंगे, तो हमने उसको जो एग्जिट सेल किया वो कितने का किया है, 67200 का, और जब आपने परचेज किया था वो कितने का किया था विद टैक्स के साथ, 56000 का। अब परचेज की अमाउंट क्या है आपके पास, वो आपको पता ही है, पी लिख रहा हूँ, परचेज कितने का किया था 50000 का, प्लस कितना टैक्स इंक्लूड किया था 6000, ठीक है। तो टोटल हमने कितने का परचेज किया, 56 का। अब बात करते हैं सेल्स की, हमने जो सेल किया वो कितने का किया, 60000 का, प्लस टैक्स कितना हो रहा है 7200, तो अपना टोटल जो किया है वो कितने का सेल किया है, 67200 का, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया बता सकता है कोई, हमें इनका क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, तो कितना आएगा, 200 ये हो गया और एक ही हो गया, एक ही हो गया, यही आएगा क्या, ठीक है। तो जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है नेट प्रॉफिट विद टैक्स के साथ, विद प्लस टैक्स के साथ जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 11200 रुपये का हमने प्रॉफिट गेन किया है, ठीक है। अब एक बात और पूछनी है आपसे, जब मैंने परचेज किया था कितने का, 50000 का, जब मैंने परचेज किया था 50000 का, उसके ऊपर जो टैक्स की अमाउंट थी वो कितनी थी हमारे पास, 6000। जब मैंने सेल किया था 60000 का, उसके ऊपर जो टैक्स की अमाउंट है वो कितनी थी, 72, ठीक है। तो जब मैंने परचेज किया था तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे किया था मैंने, 6000, ठीक है। अब मेरा जो आपसे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है वो देख लो एक बार आप, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमने परचेज किया था 50000 का, तब हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया था 6000, ठीक है। तो जब मैं सेल कर रहा हूँ किसी दूसरे बंदे को तो टैक्स ही लगाऊंगा, क्योंकि मेरे टैक्स लगाया तो उसके भी टैक्स इंक्लूड होना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन ये है कि इस अमाउंट के ऊपर ये टैक्स बनाए और इस अमाउंट के ऊपर ये टैक्स बनाए, ठीक है। तो अब इस बार जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे वो कितना पे करेंगे, 6000 पे करेंगे या 6200 पे करेंगे या फिर इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो पे करेंगे हम, क्या कितना डिफरेंस, मतलब जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना वो कितना करना है, क्योंकि पहले हम 5000 इसके ऊपर के ऊपर तो हम 6000 पे कर चुके हैं, 6000 तो हम पे कर चुके हैं, इस बार जो टैक्स की अमाउंट बन रही है वो कितनी बन रही है, 7200 रुपये बन रही है। तो इस बार जो गवर्नमेंट को पे करना है वो कितना करना है, 6000 करेंगे या 7200 करेंगे या फिर हम 1200 करेंगे, कितना पे करेंगे गवर्नमेंट को, और हम जो गवर्नमेंट को पे करना है वो टोटल हमें कितना और करना है, 1200, क्योंकि 6000 पहले कर चुके हैं, इतना और कर देंगे तो इक्वल चीज़ आ जानी है उसमें से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, क्योंकि पहले हम 6000 अगले को दे चुके हैं परचेज के टाइम, सेल्स के टाइम हमने कितना जो टैक्स बन रहा है, 7200 बन रहा है, कितना एक्स्ट्रा बन रहा है, 1200 बन रहा है, तो 1200 और पे कर देंगे तो टोटल अमाउंट बन जाएगी आपकी, और आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट रह जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए कि कौन से टाइम क्या इंक्लूड किया जाता है, कौन से टाइम क्या परचेज और सेल्स के अकॉर्डिंग कितना टैक्स लगाया जाता है या रेट बढ़ाया जाता है या टैक्स बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब कई बार अब जैसे मैं कह देता, मेरे को ये एक क्वेश्चन अभी याद आया, पहले आना चाहिए था वो, तो उस कंडीशन में क्या था, जैसे मान के चलो आपने तो ये बता दिया कि हम रेट बढ़ाएंगे, मेरे को उसी टाइम ये क्वेश्चन पुट करना था कि रेट के साथ मैं कहता हूँ कि टैक्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, मैं कहता हूँ
आपने मेरे को जवाब दिया कि सर हम रेट ही बढ़ाएंगे, टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि रेट के साथ टैक्स भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इस अमाउंट के ऊपर टैक्स कितना था, ये था, और इस अमाउंट के ऊपर टैक्स कितना है, ये है। क्योंकि अमाउंट बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है क्या बढ़ेगा, टैक्स भी बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ यहाँ पे बढ़ रही है आपकी, ठीक है। तो ये ज़्यादा लेंथी है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार इसको देख लो, नोट कर लो, अच्छे से समझ लो। और जैसे ही मैं बार बार एक बात फिर कह रहा हूँ, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होती है आपकी, तो उसके अंदर अगर आप उसी के नीचे कमेंट बॉक्स बनाया हुआ आपके लिए डाउट लेने के लिए, तो अगर इसमें से कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप क्या करोगे, वो डाउट लोगे उसके अंदर। किसी भी टाइप से अगर कोई वीडियो समझ नहीं आ रही है तो आप उसके अंदर क्या क्रिएट कर लोगे, डाउट्स क्रिएट कर लोगे उसको, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारा इसी, ठीक है। एक मिनट इसको चेक करो, देखो इसको। ठीक है, इसको नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके आगे करवा देता हूँ, ठीक है। अभी आप इसको रफ कर लेते हैं ताकि कुछ एक क्वेश्चन और आप डिस्कस करें। जैसे हम ये तो हमारे सिंपल जो टॉपिक चलता जा रहा है वही है अभी, ठीक है। अब ये जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, टैक्सेशन का। टैक्सेशन को दूसरा नाम क्या दिया गया हुआ है, स्टेचुटरी, ठीक है। अब अगर मान के चलो जितना अपन ने किया है उसका मेरे को प्रिंट चाहिए, जितना भी अपन ने किया है थ्योरी में। अभी आपकी थ्योरी चलेगी 2 से 3 दिन, आपका जैसे प्रैक्टिकल होगा तो उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल कर लें। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जितना आज आपने किया कल उसका प्रैक्टिकल करें, तो ये कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ वो भी चीज़ हमारी क्लियर होती जाए, ठीक है। तो कल आप इसका प्रैक्टिकल कर लेंगे, जैसे मैं आपको बताऊँगा पॉइंट बाई पॉइंट। आप एक बार तो देख लेना और फिर उसके बाद पॉइंट बाई पॉइंट कॉपी में नोट्स बना लेना जैसे मैं करवाए जा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे आपको वो जितना भी आपने थ्योरी में डिस्कस किया है उसका हमें क्या चाहिए, प्रिंट चाहिए। भाई अगला कह देगा इसका प्रिंट निकाल के दो हमें, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जब भी आप प्रिंट निकालते हैं उसकी शॉर्टकट क्या होती है, ओल्ट प्लस पी होती है इसकी, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसकी डिटेल चेक करनी है, तो सबसे पहला ऑप्शन आपको पता है हमारे पास कौन सा होता है, डिस्प्ले का होता है। और डिस्प्ले के बाद वहाँ पर ऑप्शन कौन सा मिलेगा, स्टेचुटरी का ऑप्शन मिलेगा, स्टेचुटरी रिपोर्ट लिखा हुआ। जैसे आप उस पर एंटर करोगे उसके बाद क्या लिखा हुआ मिलेगा, GST, और आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्रॉम, ठीक है, 26, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, ये नहीं है। उसी के अंदर जैसे GST निकालोगे ना, GST निकालने के बाद, ठीक है, यही मिलेगा आपको 26Q। तो इसी के अंदर आप आगे जाके डिटेल पूरी चेक कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रख लेना, जब भी आप कोई अकाउंटिंग फीचर्स का टॉपिक कर रहे हो या कोई इन्वेंट्री का कर रहे हो या कोई टैक्स का कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग डिस्प्ले के अंदर वही ऑप्शन ओपन अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, नॉर्मल अच्छा सा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है आपका, ठीक है। अब एक जैसे आप डिस्कस कर रहे थे ट्रांजेक्शन को लेके, भाई जब हम क्या करते हैं GST के अंदर एक और इंक्लूड किया जाता है जिसको क्या बोला जाता है, सेस बोला जाता है। सेस कैसे इंक्लूड करते हैं हम, ठीक है। GST के अंदर जो सेस होता है वो कैसे इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमारे पास अच्छी खासी है। जैसे आप क्या लगाते हो, टैक्स लगा दिया, एक SGST, सेकंड कौन सा लगाया, CGST, और फिर आप उसके ऊपर क्या ऐड कर रहे हो, सेस ऐड कर रहे हो। हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, सेस इंक्लूड कर रहे हैं। तो सेस क्या होता है, टैक्स के ऊपर ही एक एक्स्ट्रा चार्ज लग जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको कहना चाहूँगा जिसको हम क्या बोलते हैं, शिपिंग चार्ज बोलते हैं। शिपिंग मतलब कोई एक छोटा सा एग्जांपल ये है, जैसे आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ठीक है,
तो जैसे अगर आपने ऑनलाइन कोई चीज़ ऑर्डर की है तो उसको ऑर्डर करने के बाद अगला जो आपको देके जा रहा है, मतलब जहाँ से वो लेके आया और आपको आपके घर तक तो वो चीज़ पहुँचा रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं 60 से 70 या 80 रुपये चार्ज होता है, जो कि उस टोटल अमाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। बाकायदा बताया जाता है कि जो आपका सेस है, जो आपका शिपिंग चार्ज है, वो इतने रुपये आपका, आप परसेंटेज वैल्यू में क्या कर सकते हो उसको सेट कर सकते हो। अगर आप परसेंटेज वैल्यू में सेट नहीं करना चाहते तो आप अमाउंट के बेस पे भी क्या कर सकते हो उसको सेट कर सकते हो। लेकिन हमेशा याद रखना, जो भी टैक्स की जो सेस है, SGST है, CGST है और IGST है, हमेशा किसके बेस पे लगेंगे, आपके परसेंटेज के बेस पे लगेंगे इसमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, एक वैसे आप क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें। देखो जैसे एक क्वांटिटी है, एक रेट है और एक हमारे पास क्या है, अमाउंट है। मैंने इतनी क्वांटिटी परचेज की है, मैंने इस रेट में परचेज किया है, तो टोटल मैंने कितने का परचेज किया, 5000 का। उसने कहा कि इसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो 12% लग रहा है, तो 12% हम निकालेंगे, वैल्यू कितनी आएगी, 600 आएगी। परचेज किया कितने का, 5000 का, प्लस कितना टैक्स इंक्लूड हुआ, 600। तो आपने टोटल पेमेंट करी कितने की, 5600 की पेमेंट की है। वो कहता है कि इसके अंदर 3% सेस इंक्लूड करना है, जो उसका चार्ज है, एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जो इसकी फुल फॉर्म होती है ना, गुड्स एंड सर्विस, सर्विस जो प्रोवाइड करवाता है उसके अकॉर्डिंग क्या इंक्लूड किया जाता है, सेस, मतलब एक एक्स्ट्रा टैक्स अमाउंट इंक्लूड कर दी जाती है, ठीक है। तो अगले ने कह दिया कि इस टोटल अमाउंट के ऊपर 3% का सेस हो रहा है, तो 56 विद टैक्स के साथ तो है ही, 3% और निकाल लो इसका, 15 और 1 16, ठीक है। तो हमने जो एग्जैक्ट विद टैक्स के साथ परचे, मतलब जो अपन एग्जैक्ट परचेज किया वो इतने का किया, प्लस क्या हुआ, टैक्स हमने इंक्लूड कर दिया कितना, 600 रुपये, और हम इसमें क्या इंक्लूड करेंगे, सेस कितनी, 168 इंक्लूड करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, आपको जो पेमेंट करनी है वो ये पेमेंट करनी है इसके अंदर। तो सेस भी इसी के अंदर क्या होता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान में रखो, और सेस किसके टाइम इंक्लूड किया जाता है, सेस जब आप क्या करते हैं, सेल करते हैं, उसके टाइम इंक्लूड किया जाता है। तो बच्चों का कई बार क्वेश्चन ये होता है कि परचेज में नहीं लगा सकते, आप परचेज में भी लगा सकते हो। किस केस में, अगर मान के चलो सेम वही कंडीशन हमारे पास ए और बी की, जैसे हमारे पास दो कैंडिडेट है ए और बी, ठीक है। आपने क्वेश्चन क्या किया, ये बंदा परचेज कर रहा है और ये बंदा क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। जो सेस लगता है, मैं क्या कह रहा हूँ, सेल्स के टाइम लगता है, ठीक है। बट आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि परचेज के टाइम क्यों नहीं लग सकता, तो वो परचेज के टाइम भी लग सकते हैं। किस केस में, वो याद रख लो आप, आपने क्या किया, परचेज किया, अगले ने क्या किया, सेल्स किया, ठीक है। तो अगला तो आपको क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो आपकी उसके अकाउंट में जो एंट्री हो रही है वो सेल्स की हो रही है, आपके अकाउंट में जो एंट्री हो रही है वो परचेज की हो रही है, तो वो तो सेल कर रहे हैं, वो तो लगाएगा आपका टैक्स, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या किया कि सेल्स के टाइम टैक्स लगता है, सॉरी सेस लगता है, भाई आपने परचेज कर लिया, आप बाद में किसी दूसरे बंदे को सेल कर रहे हो, तो आप भी क्या लगा सकते हो उसके अंदर, सेस इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। अभी आज आपन ने जितना किया है इसको, आज आपन ने जितना किया है, कल हम इसका क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे इसका, ठीक है भाई। इससे लास्ट क्लास में जो आपने किया था, जिसके अंदर आपने SGST, CGST, IGST इंक्लूड किया था, उसी के रिगार्डिंग कल हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे क्या होएगा, साथ में आपकी थ्योरी भी क्लियर होएगी। क्योंकि अगर मैं GST की सारी थ्योरी करवा के फिर टॉपिक करवाऊंगा तो फिर अच्छा नहीं है, क्योंकि जितना थ्योरी के साथ हम प्रैक्टिकल करते जाएं उतना आपका बेनिफिट है। थ्योरी के साथ आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा और प्रैक्टिकल होने के साथ दोनों कंडीशन आपकी रेडी हो जाएगी। मैं एक बात और बता रहा हूँ, नोट्स तो इसके आप खुद बना लो, अच्छी बात है, नोट्स तो हैं इसके, नोट्स जब तक खुद नहीं बनाओगे ना तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये तो है, ये आप नोट कर सकते हो अच्छे से, जो मेन पॉइंट है जो आपको दिमाग में सेट रहते हैं वो तो रहने दो। जैसे हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो प्रैक्टिकल करने के बाद क्या होएगा आपका, कि जैसे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल करने से आपका ये हो जाएगा कि जैसे आप उसको देखो, पहली वीडियो देखो, दूसरी वीडियो देखो, तीसरी वीडियो, सॉरी पहली बार देखो, दूसरी बार देखो, तीसरी बार देखो, क्या पता कुछ एक कैंडिडेट को समझ ही आ जाए और कुछ को नहीं आता,
भाई, तो जिसको आ भी जाए वो भी एक एक पॉइंट नोट करते जाना, जैसे मैं प्रैक्टिकल करूँगा, मैं बोलता जाऊँगा नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, उसी के अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को क्या करते जाना, नोट करते जाना, जिसके रिगार्डिंग तुम्हें कभी ये ना हो कि कोई कैंडिडेट आपसे पूछे और आपका ये जवाब हो कि दो मिनट रुक मैं एक बार करके देख लेता हूँ या करके देख लेती हूँ फिर मैं बताऊँगा या बताऊँगी जो भी है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप नोट्स बनाओ, अच्छे से बनाओ और उस टॉपिक की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करो कि जो भी कैंडिडेट हमसे पूछे तो उसी टाइम हमारा ये जवाब होना चाहिए कि यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा भाई, ठीक है भाई, उसी टाइम ये ऑप्शन होना चाहिए कि हमारे पास ये ऑप्शन आ, मतलब इस साइड में ये ऑप्शन आएगा, तो ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लेना। आज हम इतना करेंगे, बाकी कल लेक्चर में करेंगे इसमें, ठीक है। और जो भी इस वीडियो को देखते हैं, जो भी अपना जैसे लिंक ओपन होता है तो अपने सेंटर का जो पेज बना हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब करो, जिसके रिगार्डिंग आपको हर एक टैली से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्या है वीडियोज़ है वो आपको क्या होती जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आता जाए, और नोटिफिकेशन आने के बाद आप उस चीज़ को क्या कर सकते हो, अच्छे से सीन वगैरह करके डाउट वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आज इतना करेंगे, बाकी कल कर।